हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किस किस एक्ट के द्वारा किया जाता है। उससे पहले दोस्तों समझ लीजिए, भारत में भूमि अधिग्रहण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा भारत में संघ या एक राज्य सरकार निजी भूमि का अधिग्रहण करती है, जो औद्योगिकरण, ढांचागत सुविधाओं के विकास व निजी भूमि के शहरीकरण और प्रभावित भूमि मालिकों और उनके पुनर्वास को मुआवजा प्रदान करती है। दोस्तों, कोई भी सरकार भूमि का अधिग्रहण तब करती है यदि उन्हें कोई औद्योगिकरण, उद्योग लगाना वहाँ पर, या फिर कोई परियोजना जैसे रेलवे की परियोजनाएं हैं और सड़क परियोजनाएं हैं, इसी प्रकार से मेट्रो की परियोजनाएं हैं, इस प्रकार की कोई भी परियोजना है तो तभी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। दोस्तों, भारत में भूमि अधिग्रहण कौन कौन से एक्ट हैं? सबसे पहला है दोस्तों भारतीय प्रमेय अधिनियम 1886, दूसरा है दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, कोयला असर क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1956, सॉरी दोस्तों 1957, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन जैसे कई कृत्यों कानूनों द्वारा शासित है। भूमि के उपयोगकर्ता का अधिकार का अधिग्रहण अधिनियम 1962, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2010, मेट्रो रेलवे निर्माण कार्य अधिनियम 1978, रेलवे अधिनियम 1989, और वह अधिकार हैं जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और अधिनियम 2013 LARR में उचित मुआवजा और पारदर्शिता, और जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। 2013 तक भारत में भूमि अधिग्रहण 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत में किन किन एक्ट के द्वारा, अधिनियमों के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है। मैं इन सभी एक्टों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि आपकी भूमि का अधिग्रहण किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से फायदे इसमें दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।